वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम सुदेशना फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स टुडे इज संस्कृत क्लास और आज हम संस्कृत पढ़ेंगे. ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. ड्यू टू करोना वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम. हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. ओके वी हैव लेंथी सिलेबस एंड वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम. हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है और जो टाइम है वो कम है. सो ड्यू टू दैट मैं आज आपको चैप्टर 11 तक इस वीडियो में सब कुछ कवर करा दूँगी. ओके सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिनका क्रिया के संपादन में उपयोग हो. जब क्रिया का संपादन किया जा रहा हो उसमें जब उपयोग किया जाता है शब्द या वस्तु उसे क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं. ठीक है हमारे कारक सात होते हैं. कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण. ठीक है और जो स्टूडेंट हम शब्द रूप लिखते हैं संस्कृत में उसमें हमारी कितनी विभक्ति होती है? सात विभक्ति होती है और आठवां हमारा संबोधन होता है. ठीक है जो सातों विभक्ति होती हैं उनमें हमारे ये कारक साथ साथ चलते हैं. ठीक है कारकों का चिन्ह देख लेते हैं क्या होता है. कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में जब किसी चीज़ को किसी से अलग किया जाए. ओके संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे. ठीक है स्टूडेंट आपके सिलेबस के अनुसार स्टूडेंट्स हमने अभी दो कारक पढ़े हैं. प्रथमा कारक जो प्रथम कारक है कर्ता वो अभी नहीं दिया है पर मैं आपको बता देती हूँ. कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट होता है. ठीक है जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? कर्ता. ठीक है स्टूडेंट्स तो जैसे राम ने आम खाया तो किसने आम खाया? राम ने. तो हमारा कर्ता क्या है? राम है. ठीक है आगे देखिए हमारे जो दूसरा कारक है वो है कर्म कारक. यह हम पढ़ चुके हैं मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ. वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं. स्टूडेंट्स वाक्य के जिस भी शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है. ठीक है तीसरा कारक है हमारा करण कारक. कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं. करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है. तो जिस भी साधन से या जिस भी वस्तु से कर्ता कार्य करता है उसे हम करण कारक कहते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए मालाकार जलेन पादपान सिंचति. माली जल से पेड़ों को सींचता है तो किससे पेड़ों को सींच रहा है वो? जलेन. ठीक है जल से तो जलेन क्या है? करण कारक है. ठीक है चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक. तो यहाँ से हमें बेसिकली आज स्टार्ट करना है. संप्रदान कारक क्या होता है? कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कोई वस्तु दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं. स्टूडेंट्स कर्ता जिस किसी के लिए भी कार्य करता है या कोई वस्तु किसी और को देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रदान किया जा रहा है. ठीक है चाहे तो क्रिया प्रदान की जा रही है चाहे कोई वस्तु प्रदान की जा रही है. ठीक है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है.
देखिए यहाँ पर तीनों वचनों और तीनों लिंगों में दिया है, पुरुषाय पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्य, कारक चिन्ह क्या है, के लिए को, एक पुरुष के लिए या को, दो पुरुषों के लिए या को, दो से अधिक पुरुषों के लिए या को, राशिकाय राशिकाभ्याम राशिकाभ्य, एक राशि के लिए या को, दो राशियों के लिए या को, दो से अधिक राशियों के लिए या को, त्रिणाय त्रिणाभ्याम त्रिणेभ्य, एक पत्ते के लिए या को, दो पत्तों के लिए या को, दो से अधिक पत्तों के लिए या को। कुछ उदाहरण है, श्री कृष्णाय नमः, श्री हम सम्मान के लिए लगाते हैं, कृष्णाय का अर्थ है कृष्ण को या के लिए, ठीक है, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नमः मतलब नमस्कार, ठीक है, तो श्री कृष्ण को नमस्कार या नमस्ते। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स किसके लिए क्रिया की जा रही है, नमस्कार क्या है हमारी क्रिया, तो ये किसके लिए की जा रही है, श्री कृष्ण के लिए। ओके, तो श्री कृष्ण क्या है हमारे, वो संप्रदान कारक हैं, ठीक है। आगे देखिए, देवाय नमः, देवता को नमः, ठीक है, आचार्याय नमः, आचार्य अर्थात अध्यापक को, नमः सभी को पता है नमस्कार, अध्यापक को नमस्कार, देशभक्ताय नमः, देशभक्ताय अर्थात देशभक्त को नमस्कार, राष्ट्राय नमः, राष्ट्राय अर्थात देश को नमः नमस्कार, देश को नमस्कार, सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। तो स्टूडेंट्स इन वाक्यों में सूर्याय देवाय आचार्याय देशभक्ताय राष्ट्राय और सूर्याय ये क्या है हमारे संप्रदान कारक हैं, क्यों, क्योंकि इन्हीं के लिए क्रिया की जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे संप्रदान कारक हैं। आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट कारक है वो है हमारा अपादान कारक, ठीक है, जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। जिससे भी स्टूडेंट, जिस भी शब्द से हमें, जिस भी शब्द या वस्तु से हमें अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जिससे कोई चीज पृथक, पृथक मीन्स अलग, ओके, जिससे कोई चीज पृथक होती है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष में पंचमी विभक्ति है क्योंकि वृक्ष से ही तो पत्ते गिर रहे हैं, है ना, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष में क्या आएगी, पंचमी विभक्ति आएगी और वो क्या है हमारा अपादान कारक है, ठीक है। देखिए तीनों वचन और तीनों लिंगों में दिया है, पुरुषात पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्य, कारक चिन्ह क्या है, से, अलग होने के अर्थ में है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पुरुष से, दो पुरुषों से, दो से अधिक पुरुषों से, राशिकाभ्या राशिकाभ्याम राशिकाभ्य, एक राशि से, दो राशियों से, दो से अधिक राशियों से, त्रिणात त्रिणाभ्याम त्रिणेभ्य, एक पत्ते से, दो पत्तों से, दो से अधिक पत्तों से, ठीक है। अब देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, वृक्षात फलानी पतंती, वृक्षात मतलब पेड़ से, फलानी मतलब फल, फलानी क्या है हमारा बहुवचन है, एक फल नहीं कई सारे फल हैं, पतंती अर्थात गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो यहाँ पर किससे अलग हो रहे हैं फल,
वृक्ष से, तो वृक्षात हमारे क्या है, वो हमारा अपादान कारक है, ठीक है। और वृक्ष में कौन सी विभक्ति लगाई है, पंचमी विभक्ति लगाई है, ठीक है। कपोताह गृहात उत्पतंती, कपोताह अर्थात कबूतर एक नहीं काफी सारे हैं, ठीक है। कपोता हमारा बहुवचन है, गृहात घर से उत्पतंती उड़ता है, मतलब जो कबूतर है वो घर से दूर होकर उड़ता है, ठीक है। तो कहाँ से दूर हुआ है, घर से, ठीक है। तो गृहात हमारा अपादान कारक है। बालकः विद्यालयात गृहं गच्छन्ति, बालकः अर्थात काफी सारे बालक, विद्यालयात विद्यालय से गृहं घर, गच्छन्ति जाते हैं, बालक विद्यालय से घर जाते हैं। सर्पः बिलात निस्सरति, सर्पः मतलब सांप, एक सांप, ठीक है। बिलात बिल से, निस्सरति मतलब निकलता है, सांप बिल से निकलता है। तो स्टूडेंट्स इन वाक्यों में वृक्षात गृहात विद्यालयात और बिलात ये सब क्या है, ये अपादान कारक है, क्योंकि इन्हीं शब्दों से क्रिया हो रही है, अलग होकर की जा रही है, ठीक है। तो ये सब हमारे अपादान कारक हैं। नेक्स्ट कारक है हमारा संबंध कारक, ठीक है, जिससे किसी का संबंध दिखाया जाता है, जिससे किसी का भी संबंध दिखाया या दर्शाया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। उसमें संबंध कारक मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और संबंध कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुकस्य चंचुः रक्तः भवति, शुकस्य अर्थात तोते की चंचुः चोंच, रक्तः लाल, ठीक है, लाल रंग, भवति होती है, तोते की चोंच लाल रंग की होती है। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, गंगायाः गंगा जलम जल पवित्रम मतलब शुद्ध अस्ति है, गंगा जल शुद्ध है या पवित्र है। सा धेनु दुग्धम पिबति, सा मतलब वह, धेनुः मतलब गाय का, दुग्धम दूध पिबति पीता है, वह गाय का दूध पीता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन वाक्यों में शुकस्य गंगायाः और धेनुः इनसे क्या हो रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है, ठीक है। चोंच किसकी है, तोते की है, शुक की है, और जल किसका है, गंगा का है, ठीक है, गंगा नदी का है, और दूध गाय का है। तो इनसे क्या हो रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है। तो इन सभी शब्दों में क्या है, ये सभी हमारे संबंध कारक हैं, ठीक है। आगे देखिए और कुछ उदाहरण दिए हैं। छात्रः गीतायाः श्लोकान् पठति, छात्रः मतलब विद्यार्थी, गीतायाः गीता का, श्लोकान् श्लोक, पठति पढ़ता है, ठीक है। तो विद्यार्थी गीता का श्लोक पढ़ता है। मम माता भोजनम पचति, मम मतलब मेरी, माता मतलब माँ, भोजन मतलब, भोजनम मतलब खाना, पचति अर्थात पकाती है, मेरी माता खाना पकाती है। मेघदूतस्य प्रणेता कालिदासः अस्ति,
मेघदूतस्य मतलब मेघदूत का, ठीक है। प्रणेता रचयिता, जो लिखता है या जिसने रचना की है उस चीज की, ठीक है। कालिदासः, कालिदास अस्ति है, मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। तो स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में गीतायाः, मम और मेघदूतस्य के साथ क्या है, संबंध दिखाया जा रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, ये संबंध कारक हैं, ठीक है। और इन सभी में कौन सी विभक्ति यूज की गई है, इन सभी में षष्ठी विभक्ति यूज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट कारक है हमारा अधिकरण कारक। क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। स्टूडेंट, कोई भी क्रिया करने का जो आधार होता है वो क्या होगा, वो हमारा अधिकरण कारक होगा, जिसके कारण क्रिया हो रही है, ठीक है। वो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का, ठीक है। देखिए, वृद्धः आसंधिकायाम उपविशति। वृद्धः का अर्थ है बूढ़ा, आसंधिकायाम का अर्थ है कुर्सी पर, उपविशति बैठा है, ठीक है। तो बूढ़ा कुर्सी पर बैठा है। अब इस वाक्य में क्या है स्टूडेंट्स, क्रिया का आधार क्या है, कुर्सी पर, ठीक है। कुर्सी नहीं होगी तो हमारी क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो अधिकरण कारक है वो क्या है, आसंधिकायाम, ठीक है। धनार्जने सर्वजनस्य इच्छा अस्ति। धनार्जने का अर्थ है धन कमाने, ठीक है। सर्वजनस्य सभी लोगों की इच्छा, मतलब इच्छा या विश, अस्ति है, धन कमाने की इच्छा सभी लोगों की है, ठीक है। तिलेषु तैलम अस्ति। तिलेषु मतलब तिल का, तैलम मतलब तेल, अस्ति है, तिल का तेल है। कूपे शीतलम जलम अस्ति। कूपे अर्थात कुएं का शीतलम ठंडा जलम पानी अस्ति है। कुएं का पानी ठंडा है। राधा खटवायाम स्वपिति। राधा लड़की का नाम है। खटवायाम मतलब खाट पर, स्वपिति मतलब सोती है, राधा खाट पर सोती है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी वाक्यों में आसंधिकायाम, धनार्जने, तिलेषु, कूपे, खटवायाम, ये सभी शब्द क्या है, ये क्रिया का आधार है। अगर ये ही शब्द नहीं होते तो कोई क्रिया नहीं होती इन वाक्यों में, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे अधिकरण कारक हैं, और इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में यहाँ पर शब्द रूप मैंने लिखे हैं, ठीक है। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये सारी जो विभक्ति हैं, ये जो रूप हैं, मैंने आपको हर पाठ के साथ पढ़ाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।